हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो मैं बहुत दिन बाद वीडियो बना रही हूँ। अपनी बेटी को मैं लेके गई बाहर खेलने के लिए, फिर हमें दिख गया एक चूँटा। मैंने इसको बोला कि मुझे चूँटा काट रहा है, तो ये चूँटे को भग करने लग गई और मुझे आके चिपका लिया इसने। और ये हमने थोड़ी गार्डनिंग की हुई है, इसमें टिंडे का, धनिए का, मिर्च का और टमाटर का पौधा है, और वो फूल वाला पौधा मुझे नहीं पता किस चीज़ का है। फिर मैं इसको अंदर ले आई तो ये रोने लग गई। फिर मैंने बोला चलो फिर दोबारा से बाहर चलो, फिर हम लोग गए दोबारा से बाहर। और ये मेरे घर का दूसरा पोर्शन है, यहाँ पे भी आके मैं और मुसरा खेलते हैं अक्सर। तो इनको याद आ गया था अचानक से कि ये मुझसे चप्पल उतारने की जिद कर रही थी, फिर इसने मुझसे चप्पल उतारने की जिद करना दोबारा शुरू कर दिया। मैंने उतार दी इसकी चप्पल, मैं इसको मना कर रही थी कि चप्पल मत उतारो, कीड़ा काट लेगा मुन्नी, लेकिन नहीं, मुन्नी ने तो उतारी। फिर हम लोग गए यहाँ से बाइक की तरफ। बाइक पे मेरी मुन्नी ने मुझे बैठाया। मैं इससे पूछ रही थी कि तुम बाइक पे कहाँ जा रही हो, तो ये मुझे बता रही थी कि मैं काऊ देखने जा रही हूँ। ये अपने बाबा के साथ रोज़ काऊ देखने जाती है। तो मैंने बोला कि मुझे भी काऊ देखने ले चलो। तो पहले तो उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, फिर इसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। इसने इसका हाथ बढ़ने का मतलब यही था कि चलो मेरे साथ। फिर मैं इसके साथ चली, बैठ गई बाइक पे इसके साथ। थोड़ी देर इसके साथ खेलने के बाद फिर मैं चली गई अंदर, क्योंकि बहुत गर्मी होती है तो मैं इसको शाम के टाइम पे लेके आती हूँ खेलने के लिए। थोड़ी देर हम लोग खेलते हैं फिर अंदर चले जाते हैं। फिर अंदर आके मैंने इसे कपड़े चेंज किए क्योंकि पूरे पसीने पसीने हो गए थे। और ये अपनी चड्डी पहन के मुझे सर पे दिखा रही थी। इसके बाद इन्होंने मुझ पर पाउडर का हमला कर दिया। इसने मुझे बहुत पाउडर लगाया, बहुत, अपनी भी लगा रही थी, मेरी भी लगा रही थी। फिर मैंने जब इसको डांटा तो फिर इन्होंने छोड़ा, वरना इसका तो पूरा इरादा था कि पूरा पाउडर ख़त्म कर दे। जबकि मैंने इसी पोयम भी लगाई हुई थी, लेकिन इसका पोयम पे कोई ध्यान नहीं था, इसका बस पाउडर जाया करने में ध्यान था। तो फिर हम लोग गए डॉक्टर के पास सुंबुल को दिखाने के लिए। इससे पहले भी हम लोग सुंबुल को दिखाने गए थे 3 दिन पहले, इसको बुखार हो रहा था। फिर अभी इसके मुंह में बहुत सारे वाइट वाइट छाले हो रहे थे, जिससे इसको दूध पीने में बहुत मुश्किल हो रही थी और ये बहुत रो रही थी। तो हमने सोचा चलो डॉक्टर को दिखा देते हैं। फिर हम लोग काफ़ी देर से वेटिंग एरिया में बैठे हुए थे, डॉक्टर 1 घंटा लेट आए थे। फिर आखिरकार हमारा नंबर आ गया, हम लोग चले गए रूम में। फिर बेड में जाके उनकी सीट पे, यहाँ पे बहुत सारे टॉयज़ और सीटें रखी हुई होती हैं, फिर इसने मुझे उन टॉयज़ में से एक ये ला दिया, हिरन बिना हड्डियों वाला, पर ये इसको बहुत अच्छा लग रहा था, इससे खेल रही थी। हम लोगों ने इसको मना किया कि इसको प्यार नहीं करो, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे आते हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं होती है, वो भी इससे ही खेलते हैं। तो हम लोगों ने इसको मना किया, फिर ये रखने चली गई। और ये इसको आलू कहती है हेलोइन वाले को, तो ये इसने फिर मुझे ये आलू ला के दे दिया। फिर वहाँ से हम लोग निकलते हुए हम लोगों को दिख गए काओ, तो हम लोग उतर गए काओ देखने के लिए, क्योंकि मुझसे जिद करने लग गई, काओ काओ करने लग गई। तो हम लोग उतर गए, फिर इसको करवाया प्यार। इसको काओ बहुत पसंद है। इससे पहले भी 1 साल की जब थी पिछली वाली बकरा ईद में, तो ये बहुत काओ को प्यार करती थी। दोनों बच्चियाँ घर आते आते सो गई थी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें।